एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसे सॉल्व करना है। हमने अभी तक इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड में से कोई एक मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। पावर 4 और 2 कम पावर पर बड़ी पावर डिवाइड हो जाती है, तो लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। देन हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की प्लेस पे हम रखेंगे y होल स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5। तो 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म इख्तियार कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला में से कोई एक मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल कर रहा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, और 10 का एक पेयर बनाना है जिसको हम प्लस करें तो 11 आए। 10 वन द 10 और 10 प्लस 1 11। तो हम 2y स्क्वायर माइनस, दूसरे लफ्जों में इस 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 11 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, यानी 5 टू द 10। तो 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2y कॉमन, y माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कॉमन है y माइनस 5 और यहाँ हमारे पास 2y और माइनस 1 हासिल। दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y माइनस 5 इक्वल टू 0 या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस के लिहाज से y इक्वल टू 5 और यहां से हमें 2y इक्वल टू 1 हासिल। अब हम y इक्वल टू 5 और यहां से y की वैल्यू हमें हासिल हुई 1 ओवर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू हमने लेट की थी x, यानी x square is equal to y। तो यहाँ x square equal to 5 और यहाँ भी x square equal to 1 over 2। Taking square root on both, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमें हासिल हुआ एक्स स्क्वायर होल रूट
इक्वल टू रूट फाइव, और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट वन ओवर टू। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट फाइव, और यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन ओवर रूट टू। तो सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस वन ओवर रूट टू कॉमा प्लस माइनस रूट फाइव। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 2, 4 को 2 और 2 की मदद से, माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं 2, और इस प्लेस पे आ गया y होल स्क्वायर माइनस 9, इस प्लेस पे y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करें या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। 4 to the 8, और 8 का एक पेयर तैयार करेंगे कि जिसको हम प्लस करें तो 9 हासिल हो। तो 8 1 the 8 और 8 plus 1 9, तो हम इसी 9 को स्प्लिट कर लेते हैं, 2y² माइनस 8 plus 1 y plus 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2y कॉमन लेंगे पहली दो टर्मों में से, तो यहाँ y माइनस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको नजर आ रहा है कि y माइनस 4 दोनों टर्मों में कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया आपके पास 2y और इस जगह पे माइनस 1। अब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका आंसर आ रहा है 0। ऐसी सूरत में दो पॉसिबिलिटीज हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 0 या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू इक्वल टू 4, या यहां से 2y इक्वल टू 1, और y की वैल्यू हमें मिली 1 ओवर 2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करें, y की प्लेस पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, एक्स स्क्वायर होल रूट इक्वल टू 4 रूट और एक्स स्क्वायर होल रूट इक्वल टू रूट 1 ओवर 2। एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस 2, और यहां एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1 ओवर रूट 2। सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 ओवर 2 रूट, और
प्लस माइनस एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो राइट साइड से टर्मों को लेफ्ट पर ले आए, 5x1/2 माइनस 7x^1/4 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें 1/2 और 1/4 में छोटी पावर 1/4 है, 1/2 को 1/4 की फॉर्म में लिखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2/4, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमें ये हासिल हो गया। और इसको लिखेंगे 5x^1/4 माइनस 7x^1/4 प्लस 2 इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं, x^1/4 इक्वल टू y, देन अब इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे, तो 5y^2 माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइज करते हैं, 2 5 10, और 10 का एक पेयर बनाना है जिसको प्लस करें तो 7 आए, तो 5 प्लस 2 करें तो 7 ही आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, तो पेयर बना हुआ है, माइनस 5 + 2 y + 2 इक्वल टू 0, 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। 5y कॉमन लेंगे, यहां से आपको मिला y माइनस 1, माइनस 2 कॉमन लेंगे y माइनस 1, y माइनस 1 कॉमन, यहां हमारे पास 5y और यहां माइनस 2 इक्वल टू 0। दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है कि y माइनस 1 इक्वल टू 0 या 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों सूरत हाल को चेक करते हैं, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 1 और 5y इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 2/5। वैल्यू पुट करते हैं y की, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल है x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो x^1/4 इक्वल टू 1 और x^1/4 इक्वल टू 2/5। 1/4 पावर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 लेनी, taking power 4 on both sides, दूसरे लफ्जों में taking exponent 4 on both sides। तो x^1/4 equal to 1^4 और यहां भी x^1/4 इक्वल टू 2/5 4। तो ये कैंसल, हमें x की वैल्यू मिली, 1 को 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 नहीं आया। और यहां पे x इक्वल टू
टू को फोर टाइम लिखकर मल्टीप्लाई किया तो 16, और 5 को 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई किया तो 625। तो सॉल्यूशन सेट है 1, 16 ओवर 625। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स 1/3 होल पावर 2, ये 2 हम ब्रैकेट के बाहर ले गए, माइनस 15 एक्स रेस्ट पर 1/3 और प्लस 54 इक्वल टू 0। तो लेट करते हैं एक्स रेस्ट पर 1/3 इक्वल टू वाई, देन यहां हमें हासिल हुआ y की पावर 2 माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें हासिल हो चुकी। अब आप इसको फैक्टराइज करें या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, तो हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 54 और 54 का एक पेयर बनाएं जिसको प्लस करें तो 15 आए, तो 6, 9, 54 होता है और 6 और 9 को ऐड करें तो 15 आए। दूसरे लफ्जों में हम इस 15 को अलहदा अलहदा करके लिख सकते हैं इस तरह कि 9 प्लस 6। तो वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन लिया तो हमें हासिल हुआ y माइनस 9, माइनस 6 कॉमन लेंगे y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब कॉमन नजर आ रहा है y माइनस 9 और यहां y और इस प्लेस पे माइनस 6 आपको हासिल। दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0। ऐसी सूरत में दोनों को 0 पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू 9 और यहां y की वैल्यू 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू प्लेस करते हैं जो कि x रेज्ड पावर 1/3 है और यहां पर भी x रेज्ड पावर 1/3 इक्वल टू 6। अब पावर 3 दोनों तरफ अगर हम लें तो ये 1/3 कैंसिल हो जाए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहां हमें हासिल हुआ x 1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 3 और यहां पर होल पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, x मिला और 9 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसको लिखते हैं, तो हमें हासिल हुआ 729 और यहां भी x और 6 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है 216। तो सॉल्यूशन सेट 729 और 216। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है।
और सॉल्व करेंगे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड से। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 3x-1 × 2, -2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, -8x⁻⁵+5=0। दोबारा तरतीब देते हैं, -1 की पावर 2 -8x-1+5=0। आप देख सकते हैं कि हम लेट कर सकते हैं कि x⁻⁡ = y, देन हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3y² - 8y+5=0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ। 5 × 3 = 15, 15 का एक पेयर बनाएं जिसको प्लस करें तो 8 आए। दूसरे लफ्जों में हम इस 8 को इस तरह अलहदा करके लिखें कि अगर हम प्लस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो 5 + 3 8 ही होता है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 5 + 3 की शक्ल में। तो यहां 3y² - 5y - 3y + 5=0। यहां से अगर हम देखें पहली दो टर्मों में से तो y कॉमन लिया जा सकता है और हमें हासिल हुआ 3y - 5, और -1 कॉमन लेंगे तो 3y - 5=0। तो हमें 3y - 5 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन लेंगे तो y - 1 हासिल। दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 है, तो दोनों को 0 पुट करके हम वैल्यू हासिल कर सकते। तो यहां से 3y की वैल्यू 5 और यहां से y की वैल्यू 1। दूसरे लफ्जों में y की वैल्यू आई 5/3 और y की वैल्यू है 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू x⁻⁻⁵ है, पुट करेंगे 5/3 और x⁻⁻⁶ = 1। हम इसको लिख सकते हैं 1/x। और इधर भी 1/x = क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 = 5x और 5 को इधर डिवाइड कर लें, 3/5 = x। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये x राइट साइड पर चला गया, तो 1 = x, 1 × x, x। तो सॉल्यूशन सेट है 3/5,